नमस्कार। भारतीय वास्तुशास्त्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज आप वास्तुशास्त्र में ग्राम नगर विन्यास किस प्रकार किया जाता है इस विषय पर अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर अशोक थपलियाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस पाठ में आप वास्तुयोग्य अधिष्ठान, ठेठ लक्षण, खरवट लक्षण, कोतमकोल लक्षण, स्थानीय लक्षण, पत्तन लक्षण, द्रोणमुख लक्षण, निगम लक्षण, दुर्ग लक्षण, ग्राम लक्षण और नगर लक्षण, इन विषयों का आप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं वास्तुयोग्य अधिष्ठान प्राचीन आचार्यों के मत में कौन है। मैं मत के अनुसार 10 प्रकार के निवास करने योग्य अधिष्ठान हैं। इस विषय में कहा गया है, स्थानीय दुर्ग पुरपत्तन कोत्मकोल द्रोणामुखान निगमंच तथैव खीटम ग्रामंच खर्वटमिति हदशैव युक्त्या दृष्टानकानि कथितानि पुरातनार्यहि। यहाँ पर ध्यातव्य है कि विश्वकर्मा खेट और खरवट को ग्राम के अंतर्गत उल्लेखित करते हैं। अब सर्वप्रथम खेट का लक्षण क्या है, इस विषय में कहा गया है, शूद्रैरधिष्ठितं यन्नद्यचलाविष्टितं तु तत्खेटम्। अर्थात जहाँ शूद्र वर्ण के लोग अधिक मात्रा में रहते हैं और जो नदी और पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ऐसा अधिष्ठान खेट कहा गया है। इस विषय में विश्वकर्म का मत है कि खेटस्य वास्तु भूमिस्तु प्रायः कानन मध्यगा सबरिश्च पुलिन्देश्च संयुता मांस जीवी पर्णगे हान्विता विश्व गतवेष्टि गेह भाग एकादिदश वीथ्यंता क्षुद्र वीथ्य समन्ततः। अर्थात खेट वह वास्तु भूमि है जो प्रायः जंगल के बीच में स्थित रहती है। यहाँ पर शबर, पुलिंद और मांसजीवी लोग रहते हैं। प्रायः यहाँ पर पत्तों से बने हुए घर रहते हैं। यहाँ पर जो घर होते हैं प्रायः बाड़े से उन्हें घिरा हुआ होता है। इस खेट संज्ञक अधिष्ठान में एक से लेकर 10 विधि तक अनेक क्षुद्र विधियाँ और कई प्रकार के उपमार्ग होते हैं। अब खरवट लक्षण। खरवट के विषय में मैं कहा गया है, परितः पर्वत युक्तम खरवटकम सर्वजन सहितम। अर्थात जो चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ हो और जिसमें अनेक प्रकार के लोग रहते हैं उसे खरवट कहते हैं। इस विषय में बृहद वास्तु के आचार्य विश्वकर्मा का मत है कि वास्तु भूमि खरवटस्य नदी तीर गता मता रसाल साल बकुलिस तिंतिणी वेणु पाटलही। अर्थात वास्तु भूमि जो खरवट नाम से विख्यात है वह प्रायः नदी के तट पर स्थित रहती है। यहाँ पर रसाल अर्थात आम, साल, वकुल मौलश्री, तिंतिणी अर्थात इमली, वेणु, पाटल, कदम्ब, नारिकेल, श्रीपर्ण, तिलक आदि अनेक प्रकार के वृक्ष रहते हैं। साथ में यहाँ पर अनेक प्रकार के निकुंज रहते हैं। यहाँ पर उद्यान आदि भी रहते हैं। इस प्रकार 10 से लेकर 20 विधियों से आवृत और 100 जहाँ पर कम से कम 100 ग्रह हों, ऐसे मुख्य विधि से युक्त जिसके मध्य में कालिका ग्रह हो अर्थात कालिका का मंदिर हो, जहाँ पर मांसभक्षी, बहेलिया, भृत, अनेक प्रकार के सेवक, कृषि कर्म करने वाले, अनेक प्रकार की मदिराओं से युक्त, अनेक दुकानों से युक्त जो क्षेत्र होता है उसे खरवट कहते हैं। सम्रांगण सूत्रधार में खरवट के स्थान पर करवट शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। इसके पश्चात जातने हैं कोतमकोल का क्या लक्षण है। इस विषय में कहा गया है कि वन मध्य जनावासम यत कोतमकोलकम प्रोक्तम। अर्थात जहाँ जंगल के बीच में जो लोगों के आवास के लिए स्थान बनाया जाता है उसे कोतमकोल कहते हैं। इसी प्रकार स्थानीय लक्षण कहा गया है,
नद्यद्रिपार्श्वयुक्तं नृपभुवनयुतं स बहुरक्षकं यन्नृपतिस्थापितकं तत्स्थानीयं समुद्दिष्टं। अर्थात नदी और पर्वत के निकट में स्थित जहाँ पर राजमहल होता है, अनेक प्रकार के रक्षक रहते हैं, जहाँ पर स्थपति और राजा लोग रहते हैं, उसे स्थानीय कहा गया है। अब कहते हैं पत्तन लक्षण को। पत्तन के विषय में आचार्य मय का मत है कि द्वीपांतरागत वस्तु भी अभिसंयुक्तम सर्वजन सहितम। अर्थात अनेक प्रकार के द्वीपों से आए हुए वस्तुओं से जो संयुक्त हो, जहाँ पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जहाँ पर क्रय विक्रय किया जाते हैं, विशेष करके रत्न धन क्षौम रेशमी कपड़े इत्यादि गंध वस्तु इत्यादि, ऐसे नदी सागर इत्यादि के नज़दीक में जो नगर होता है उसे पत्तन कहा जाता है। इसी विषय में आचार्य विश्वकर्मा का मत है कि पारा वर तटे वापि भूधरोपत्यका तटे स्वादुतोयस्थले वापि पतनंकारयेत् बुधा। अर्थात नदी समुद्र इत्यादि के तट पर अथवा किसी पर्वत के उपत्यका में जहाँ पर पीने योग्य सुंदर जल स्थल हो, वहाँ पर पत्तन का निर्माण करना चाहिए। इसमें विशेष रूप से महामार्ग होते हैं, साथ में इसके चारों ओर परिखा अर्थात प्राकार रहता है। यहाँ पर 8 वीथियों से युक्त, यह 8 वीथी से लेकर 12 वीथियों तक यह घोषित रहता है। साथ में इसमें एक पाद प्रमाण के बराबर स्थल में राजा का निवास स्थान भी होता है। इसी प्रकार इसमें कहा गया है, मध्येवादिसि वारुण्यां दुर्गोपेतं प्रकल्पयेत् गोपुरेण समायुक्तं सभामण्डप भूषितं कल्पयेत् दिक्षु सर्वत्र सर्वदेवायतनं बहु उपवीथि क्षुद्रवीथिरनेकाश्च प्रकल्पयेत्। अर्थात इसमें अनेक प्रकार के दुर्गों की प्रकल्पना रहती है, अनेक गोपुर रहते हैं, यहाँ पर अनेक सभा मंडप रहते हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार के देवताओं के मंदिर इत्यादि भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की उपवीथियाँ क्षुद्र वीथियाँ भी होती हैं और यहाँ पर विशेषता है कि लगभग 10,000 से अधिक जनसंख्या यहाँ पर रहती है। यहाँ पर के जो भवन होते हैं अनेक प्रकार के चित्रों से संयुक्त होते हैं। इस प्रकार का जो स्थान होता है उसे पत्तन कहते हैं। वस्तुतः आजकल जो जिसे बंदरगाह कहा जाता है वह प्राचीन काल में प्रायः पत्तन के रूप में ही विख्यात था। अब द्रोणमुख लक्षण, इस विषय में मैं का मत है, नद्यब्दि दक्षिणा दक्ष दक्षिण भागवणिगादि संयुक्तम सर्वजनावासम यद्रोणमुखम प्रोक्तम आचार्येणहम। अर्थात नदी समुद्र के दक्षिण में या दक्षिण भाग में जहाँ पर अनेक प्रकार के वणिज कर्म करने वाले रहते हैं, जहाँ पर अनेक लोग रहते हैं, ऐसा नगर या ऐसा अधिष्ठान द्रोणमुख कहा जाता है। इस विषय में विश्वकर्म वास्तुशास्त्र में आया है, यहाँ पर द्रोणक नगर कहा गया है कि वप्र अर्थात परकोटा गोपुर उपन उद्यान निष्कुंज कुल्या नहर इति, इनसे युक्त राजा के आवास से युक्त कृषि क्षेत्र से युक्त कृषकों से युक्त अनेक प्रकार के समृद्धि से युक्त जहाँ पर घर हों, जहाँ पर 10 से लेकर 50 वीथी तक स्थित हों, अनेक मठ मंडप वापी कूप से और युक्त, साथ ही मध्य में अथवा पश्चिम में जिसके शिवालय हो, जहाँ पर चतुर्वर्ण के लोग रहते हैं और साथ में अनेक प्रकार के राजसेवक रहते हैं, उसे द्रोणमुख कहा जाता है। इसके पश्चात निगम लक्षण कहा गया है। इस विषय में आचार्य मय का मत है कि चातुर्वण्य समम समेतम चातुर्वण्य समेतम सर्वजनावास संकीर्णम बहुकर्मकार युक्तम यन्निगमं तत्समुद्दिष्टम। अर्थात चातुर्वण्य से युक्त अनेक प्रकार के लोगों से युक्त यहाँ पर काफ़ी संकीर्ण रूप में अर्थात काफ़ी घने में लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं, उसे निगम कहा गया है। इस विषय में विश्वकर्म वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि वन मध्य गो वापि ग्रीषानुगतोपि वा सदा तो या तीर भागवा रक्षके रवि संवृतः निगमो दुर्ग संयुक्तो वप्रेणापि समावृतः। अर्थात जो वन के मध्य भाग में स्थित हो या किसी पर्वत के समीप में स्थित हो, जहाँ पर अनेक प्रकार के नदी या जलाशय इत्यादि स्थित हों,
जो अनेक रक्षकों से युक्त हो, ऐसा दुर्ग से युक्त, वप्र से युक्त क्षेत्र को या अधिष्ठान को निगम कहा गया है। इसी विषय में कहा गया है कि अपिच राजमार्ग युक्त, चतुर्द्वार से युक्त, वप्र, गोपुर, पीठाधिष्ठान, पूर्व और पश्चिम में प्रतोली युक्त, वास्तु के बीच में नृप के आवास से युक्त, दक्षिण से उत्तर की ओर त्रिदंड से लेकर के त्रिदंड विस्तार वाले अर्थात तीन दंड जिसकी चौड़ाई है ऐसे 20 विधियों से युक्त, पश्चिम दिशा में देवालय से युक्त, राजसेवक, राज्य कार्यकर, पूर्व कार्यकर, श्रमिक, शिल्पी, न्यायालय, विपणी आदि से युक्त, जो अनेक जहाँ पर अनेक जाति के लोग रहते हैं, ऐसे तुंग अनेक उच्च ग्रहों से युक्त को निगम कहा गया है। इसके पश्चात जानते हैं कि दुर्ग लक्षण। दुर्गाणाम स्थापनम प्रायु भूपानाम आत्मरक्षकम तस्मात् शिल्पगणे कार्यम न तत्र नगरादिकम। प्रायः या दुर्ग की रचना आचार्य लोग जो वास्तुशास्त्र के आचार्यों ने राजा के लिए विशेष करके किया है, जिसमें राजा एकदम निष्कंटक होकर के अपना शासन काल चलाते थे। इस विषय में कहा गया है कि गिरि कानन भेदेना तद्वा द्वादश कमीरितम, अर्थात इसे 12 प्रकार से कहा गया है, गिरि, वन, सलिल, इरण, दैवत, एकमुख, द्विमुख, चतुर्मुख, कूर्म, पारावात, प्रभु, युद्ध। ऐसे ही अनेक प्रकार से आचार्य ने कहा है। मय मत में 7 प्रकार के दुर्ग होते हैं, गिरि, वन, जल, पंक, इरण, दैवत, मिश्र। मत्स्य पुराण में भी 6 प्रकार के दुर्गों के बारे में चर्चा मिलती है, धन्व, मही, नर, वृक्ष, जल, पर्वत, दुर्ग। अग्नि पुराण में भी इसी प्रकार कहा गया है। सम्रांगण सूत्रधार में भी 6 प्रकार के दुर्गों की विषय में बात मिलती है, जिसमें जल, पंक, वन, इरण, मही और पर्वत दुर्ग विशेष हैं। ग्राम लक्षण के विषय में कहते हैं कि ग्रस धन मन आदंतादेश तिरिन ग्राम, जहाँ पर भरत के मतानुसार जहाँ पर विप्रादि वर्ण प्राकार परिग्रहित जिस जहाँ पर अनेक प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं उसे गांव कहा गया है। मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है तथा शूद्र जना प्राया सुसमृद्ध कृषिवला क्षेत्रोपयोग भूमध्य वसति ग्राम संज्ञिका। इसी प्रकार से नगर के लक्षण के विषय में कहते हैं, नगर इव प्रसादा संति यत्र इति नगरम, अर्थात जहाँ पर पर्वतों के समान बड़े बड़े प्रसाद रहते हैं उसे नगर कहा गया है। जहाँ पर अनेक प्रकार के गांवों का व्यवहार स्थान होता है उसे पुर कहते हैं, और जहाँ पर पुर का भी विचारालय होता है उसे नगर कहते हैं। मनुष्यों का गांव से लेकर जो विशाल निवास स्थान होते हैं उसे भी नगर कहते हैं। इस प्रकार गांव नगर के लक्षण के विषय में अनेक चर्चाएं प्राप्त होती हैं। आपने प्रस्तुत अध्याय में ठेठ, खरवट इत्यादि 10 अधिष्ठानों के विषय में पढ़ा। हमारा मानना है कि इस पाठ के अध्ययन से आप अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।